आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में इसकी पहचान होने वाली है। एक तरफ मजार है, उसके ठीक सामने भगवान श्री राम की प्रतिमा है और गंगरेल बांध के बिल्कुल छोर पे बना हुआ है ओना कोना मंदिर। आइए अब मैं आपको मंदिर के अंदर ले चलता हूँ। फिलहाल ये मंदिर अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसलिए यहाँ पे काम बिल्कुल अधूरा दिखेगा आपको। दीवारों पे मूर्तियों का काम अभी फिलहाल चल रहा है, जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बन के रेडी हो चुका है। दीवारों पे अभी मूर्तियाँ बन रही हैं, इसके बाद यहाँ शायद पेंटिंग का काम चले और फ्लोरिंग का काम अभी पूरी तरह से बचा हुआ है, जैसे कि नीचे दिख रहा है फ्लोरिंग नहीं हुई है। इस तरफ भी हम चलते हैं। ये मंदिर जो है वो बिल्कुल त्र्यंबकेश्वर की तर्ज पे बनाया जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये किसी गवर्नमेंट के खर्चे से नहीं बन रहा है या किसी एनजीओ या किसी संस्था के खर्चे से नहीं बन रहा है। देखो कितनी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं और ऊपर भी बिल्कुल जैसा त्र्यंबकेश्वर या अन्य ज्योतिर्लिंग के जो मंदिर हैं उनके तर्ज पे ही बड़े बड़े गुंबद बनवाए गए हैं। यहाँ अंदर की ओर चलते हैं, यहाँ पे भी मूर्तियाँ वगैरह बनी हुई हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो मंदिर है इसे कोई संस्था नहीं बनवा रही है, बल्कि धमतरी के ही एक जो लोकल व्यवसायी हैं तीरथ राज फूटान, उनका नाम है तीरथ राज फूटान, वो अपने पर्सनल खर्चे से अपने पर्सनल धन से इस मंदिर को बनवा रहे हैं। इसीलिए इस मंदिर का काम जो है वो अन्य मंदिरों की अपेक्षा थोड़ा सा स्लो चल रहा है। बावजूद इसके यहाँ पे हर रोज सैकड़ों की संख्या में सैलानी आते हैं, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश से लोग यहाँ पे आते हैं और घूमते भी हैं, फ़ोटो वगैरह भी खिंचाते हैं। देखो सामने जलहरी नज़र आ रही है, जलहरी बन चुकी है मंदिर की। मूर्तियाँ जो हैं दीवारों पे जो भी नक्काशी का काम है वो ऑलमोस्ट हो चुका है, छत वगैरह का काम भी देखो काफ़ी हद तक हो चुका है। उम्मीद है कि आने वाले 2-3 सालों में ये मंदिर बन के रेडी हो जाएगा। हालांकि अभी नहीं भी बना है तो भी यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, इनफैक्ट छत्तीसगढ़ की कई फिल्मों की शूटिंग भी हुई है और यहाँ पे देखो लोग उसके बावजूद इसको गंदा भी करते हैं, अपने प्यार की निशानी बना के चले जाता है, कोई कोई कुछ गंदी बातें लिख के चला जाता है, क्या बोल सकते हैं अब ऐसे लोगों को। ऐसे लोग हर जगह पहुँच जाते हैं, ये भी नहीं देखते कि ये भगवान का घर है और बिल्कुल मंदिर के प्रीमाइसिस के अंदर। अब देख सकते हो कितना कचरा यहाँ पर पड़ा हुआ है। इस तरफ शायद ये एक पालकी नज़र आ रही है, हाँ ये एक पालकी है और इस पे लिखा हुआ है महाकाल, तो शायद ये वो पालकी होगी जिसमें शिवलिंग जो यहाँ का इस मंदिर के लिए बन रहा है उसे लेके आना होगा। जब वो शिवलिंग बन के तैयार हो जाएगा और जब जिस मुहूर्त पे वो यहाँ पे प्रतिस्थापित किया जाएगा उस समय शायद उस शिवलिंग को इसी पालकी पर लेकर आएंगे। बाहर गणेश जी की प्रतिमा है और उसके आसपास बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं की अन्य कलाकृतियां यहाँ पे बनाई गई हैं और बहुत ही खूबसूरत ये मंदिर है। दूर से देखने से, बाहर से देखने से बहुत खूबसूरत नज़र आता है, इसीलिए शायद यहाँ पे बहुत सारी फिल्मों की भी शूटिंग हुई है। ये पूरा एरिया गंगरेल बांध के डुबान क्षेत्र में आता है, इसलिए यहाँ पर साल भर पानी रहता है और यही कारण है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग पिकनिक मनाने के लिए भी आते हैं। हालांकि 3-4 साल 5 साल पहले तक ये क्षेत्र उतना वेल नोन नहीं था। बात की जाए अगर इसकी लोकेशन की तो ये धमतरी से 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और रायपुर बस्तर मार्ग पर रायपुर से लगभग 90 किलोमीटर दूर मेन हाईवे से लगभग 6 किलोमीटर अंदर आप जब करझर नामक गाँव पर आएंगे जो गंगरेल के डुबान क्षेत्र में आता है वहाँ पे आपको ओना कोना का ये खूबसूरत नज़ारा देखने मिलेगा, जहाँ आकर आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं।